हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज का हमारा टॉपिक होने लगा है बहुत ही अमेजिंग, 10 ग्रूमिंग टिप्स फॉर टीनेजर्स। स्टेप नंबर 1, बेसिक 3 स्टेप्स ऑफ स्किन केयर रूटीन। CMS स्टैंड फॉर क्लिंजर, मॉइस्चराइजर एंड सन ब्लॉक। समटाइम वीक में आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं और कभी आप क्लिंजर यूज़ कर सकते हैं। ड्राई स्किन वाले फेशियल क्लिंजर अगर यूज़ करते हैं तो बेस्ट है। उनके लिए मैं जॉनसन्स कॉस्मेटिक वालों का फेशियल क्लिंजर रिकमेंड करती हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत लाइट सा एक ग्लो प्रोवाइड करता है आपकी स्किन पे। और अगर फेस वॉश यूज़ करना है तो लोरियल पेरिस का ये फाइन फ्लावर फेस वॉश है, ये भी बहुत अच्छा है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। एंड मॉइस्चराइजर और सन ब्लॉक के लिए मैं यहाँ पे हीलियो केयर बीबी कम्प्लेक्शन SPF 60 है, ये बहुत बेस्ट सन ब्लॉक है, आप इसको डेली बेसिस में यूज़ कर सकते हैं। लिप्स को भी आपने अवॉइड नहीं करना, आप कोई भी मॉइस्चराइजर लिप्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, मेंटेन बैलेंस्ड डाइट। फिजिकल ग्लो अप के लिए तो हम काफ़ी कुछ करते रहते हैं बट अपनी इंटरनली हेल्थ को हम बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप डाइट प्लान फॉलो करें, कंज्यूम एटलीस्ट 1-2 सीजनल फ्रूट डेली, वाटर इनटेकिंग बहुत ज़्यादा करें। समर सीजन है, बहुत से फ्रूट्स मार्केट में है, आप डेली कोई ना कोई अपनी डाइट में रखें। स्टेप नंबर 3, हेयर केयर। हेयर ग्रूमिंग और हेल्दी हेयर्स के लिए, अपने बालों की पोरोसिटी को बढ़ाने के लिए आपको कोई ना कोई सीरम ज़रूर यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर है अनलिमिटेड लोरियल पेरिस वालों का, और इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल्स हैं लोरियल पेरिस के, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अच्छा ऑप्शन अगर आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हेयर सीरम अगर आपके पास नहीं अवेलेबल तो कोकोनट ऑयल के 4-5 ड्रॉप्स आप डेली यूज़ कर सकते हैं, और नाइट में अगर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। स्टेप नंबर 4, मोस्ट फेवरेट हेयर ऑयलिंग। हेयर ग्रोथ को अगर आपने मेंटेन रखना है तो वीक में 3 टाइम्स आपको हेयर शैम्पू और कंडीशनर, कोई भी अच्छा सा मेडिकेटेड या जो भी आपकी चॉइस आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी है। वीक में 1 टाइम बिल्कुल अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीक में 1 टाइम आपने ऑयलिंग ज़रूर करनी है। ऑयलिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है कोकोनट ऑयलिंग, तो अगर आपके पास कोई हर्बल ऑयल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, मेकअप। डेली मेकअप रूटीन में टीनेजर्स के साथ बिल्कुल सूट नहीं करता लाइनर, हाइलाइटर, पैनकेक्स, कंटूरिंग, फेस पाउडर वगैरह। आई रिकमेंडेड अगर आपने बहुत ही प्रेजेंटेबल लुक लगनी है तो आप कोई भी लाइट सा फाउंडेशन के 2 पम्प्स यूज़ कर सकते हैं, साथ में आपके लिप ग्लॉस, लाइट्स एंड मस्कारा यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही प्रेजेंटेबल सी लुक आपकी लगेगी। स्टेप नंबर 6 है ड्रेसिंग। कीप अप विद द फैशन ट्रेंड एंड वी ऑल नोज कि अगर आप लाइट कलर्स पहनते हैं तो आपकी लुक बहुत अच्छी लगती है, फ्लोरल डिजाइन पे आप ना जाएं। एंड टीनेजर्स के लिए 1 कलर ड्रेस बहुत अच्छी लुक प्रोवाइड करता है। नाउ स्टेप नंबर 7, हेल्दी ड्रिंक्स। वी ऑल नोज वेरी वेल कि हमारी बॉडी B3 एंड विटामिन डी कंज्यूम करती है। आप वीक में 4 टाइम या डेली आप अपनी रूटीन में जूसेस को रख सकते हैं, बिकॉज विटामिन ए, ई एंड सी आपको आपकी बॉडी को मिल सके। आप सीजनल फूड यानी कि समर चल रहा है तो आप फालसे का जूस ले सकते हैं, लेमन जूस ले सकते हैं, आप मैंगो शेक ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। स्टेप नंबर 8, डेली स्किन टॉनिंग। हेल्दी एंड ग्लोई स्किन के लिए स्किन टॉनिंग करना बहुत ज़रूरी है। टॉनिंग के लिए आप राइस वाटर यूज़ कर सकते हैं, पोटैटो वाटर यूज़ कर सकते हैं, क्यूकम्बर वाटर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ग्लोइंग फेशियल टॉनर है देन आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको पफिनेस का इशू है तो आप आइसिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आपको बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करती है। स्टेप नंबर 9, डू नॉट यूज़ फिजिकल स्क्रब। आप टीनेजर्स हैं या किसी भी एज में हैं आप, तो मैं कभी भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगी स्क्रब्स यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। अगर आप होम रेमेडी यूज़ कर रहे हैं, कोई मड मास्क अप्लाई कर रहे हैं, मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर रहे हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। एंड इसके साथ साथ आप कोरियन राइस ग्लो मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपकी स्किन को ग्लो अप के साथ हेल्दी भी करेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है। लास्ट पे है स्टेप नंबर 10, हॉबीज। आई विल रिकमेंडेड इंगेज इन रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना, वॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी बहुत पसंद है, लाइक आपको बुक रीडिंग बहुत पसंद है, पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राइंग वगैरह कुछ भी अगर आपको पसंद है, तो उसके साथ अटैच रहना बहुत ज़रूरी है। मेरी बात की जाए तो मेरी एक्टिविटीज़ बहुत हैं, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ मैंने शेयर करनी है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली लाइक कर लीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।